हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग व रैंडम फैक्ट्स बताने की कोशिश करूँगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों क्या आपको पता है कि जो पक्षी होते हैं उनकी हड्डियाँ अंदर से पूरी तरह खोखली होती हैं, और हड्डियों के खोखली होने की वजह से वह अच्छी तरीके से उड़ पाती हैं, तथा जैसे मनुष्यों की हड्डियों के अंदर मज्जा भरी होती है, उसी तरीके पक्षियों की हड्डियों के अंदर केवल हवा भरी होती है। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों आप सभी खाना पीना लिखना पढ़ना किस हाथ से ज़्यादा करते हैं, राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड? वैसे मैं आपको बता दूं कि दुनिया की 10% आबादी लेफ्टी है, मतलब कि लेफ्ट हैंड की है। और इसके साथ ही एक स्टडी के अनुसार यह पाया गया है कि बाएं हाथ के लोगों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की तुलना काफ़ी ज़्यादा होती है लेफ्ट हैंड होने की। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों मधुमक्खियाँ शहद देती हैं, ये तो बच्चों को पता है, पर मधुमक्खियों से जुड़ा यह फैक्ट आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। मधुमक्खियों की पृथ्वी पर कुल 20,000 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, पर उनमें से केवल 60 प्रजातियां ही ऐसी होती हैं जो केवल शहद बना सकती हैं, और बाकी की बची हुई मधुमक्खियों की प्रजातियों के पास शहद बनाने की क्षमता नहीं होती। वैसे ये वाकई हैरान कर देने वाला फैक्ट है। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है कि जितने भी ऑड नंबर होते हैं, जैसे कि 5, 9, 13, 53, 93, 84, जितने भी ऑड नंबर होंगे उनको इंग्लिश में लिखने पर, मतलब कि उनकी इंग्लिश में स्पेलिंग लिखने पर, कहीं ना कहीं हर ऑड नंबर पर ई जरूर आता है। चाहे तो आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, केला हम सभी भारतीयों का एक पसंदीदा फल है, पर क्या आपको पता है कि केला एक ऐसा फल है जिसमें बीज नहीं पाया जाता, मतलब कि केले के फल में बीज नहीं होता। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि बिना बीज के फल कैसे तैयार हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि केले के पौधे में एक बल्ब जैसा सर्कस मौजूद होता है, और उसी के वजह से फल तैयार हो पाता है। फैक्ट नंबर सिक्स, दोस्तों किसी से बात करना एक आम बात है, पर क्या आपको यह पता है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके पीछे हमारी मसल्स का काफ़ी योगदान होता है, और जब हम किसी से बातचीत करते हैं तब हमारे शरीर की 100 मांसपेशियों का पूरा योगदान होता है बोलने में, मतलब किसी से बोलने के लिए हमें 100 मांसपेशियों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जीभ, गर्दन, हमारे जबड़े, होंठ तथा और भी कई छोटी छोटी मांसपेशियाँ। फैक्ट नंबर सेवन, दोस्तों क्या आपको पता है कि जो पक्षी होते हैं उनको अपना भोजन निगलने के लिए ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पक्षी अपने भोजन को चबा नहीं सकते, और इसकी बजाय वह अपने भोजन या शिकार को पूरी तरह निगल जाते हैं, और उसके गले में मौजूद ग्रास नली उनके भोजन को नीचे धकेलता है, और उसके बाद वह भोजन पेट में जाकर भाप बनकर पच जाता है। फैक्ट नंबर एट, यार जब हम सभी बचपन में अपनी पढ़ाई करते थे तो सभी लिखने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करते थे, पर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पेंसिल का मतलब पता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पेंसिल का सही अर्थ है एक छोटा पेंट ब्रश। वैसे मुझे लग रहा है कि यह आपको एक मजाक लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। पेंसिल शब्द एक पुराना फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब एक छोटा पेंट ब्रश होता है। फैक्ट नंबर नाइन, दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि हमें जीवित रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ ही हमें जीवित रहने के लिए एक शुद्ध भोजन की बहुत ही आवश्यकता होती है, पर क्या आपको पता है कि आप केवल आलू और मक्खन खाकर भी जीवित रह सकते हैं? अगर हमें पर्याप्त मात्रा में आलू और मक्खन दिया जाए तो हम सदैव जीवित बने रहेंगे, क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट और मक्खन में कोलेस्ट्रॉल की उच्च मात्रा होती है, जो हमारी बॉडी को जीवित रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। फैक्ट नंबर टेन, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट रंग कौन सा है, तो आप शायद लाल, काला, हरा, सफ़ेद
रंग बोलेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि नीला रंग दुनिया का सबसे पसंदीदा रंग है? नीले रंग को दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और उसके बाद दूसरे नंबर पर बैंगनी रंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और हमेशा की तरह आप सभी के लिए एक बोनस फैक्ट भी है। बोनस फैक्ट यह है कि बियर दुनिया में सबसे ज्यादा पीने वाला पेय पदार्थ है। साल 2016 में लगभग 50 अरब गैलन पूरी दुनिया में बियर पी गई थी लोगों द्वारा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस फैक्ट को अपने यार दोस्त परिवार रिश्तेदार सभी को शेयर करिए। और अगर हाँ आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।